धनतेरस वाले दिन ही शनि बकरी से मार्गी होंगे मकर में। 7:30 ही एक पैरेलल क्रम होता है जो जन्म पत्री ऊपर चलता है, इससे कारक भी शनि होते हैं। सभी भक्तों को नमस्कार। दीपावली के पंचदिवसीय कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं पंडित सौरभ शंकरदार। पंच दिवसीय कार्यक्रम में सबसे पहले धनतेरस का त्यौहार आता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को त्यौहार मनाते हैं। धनतेरस कहलाता है, धन त्रयोदशी भी कहलाता है। भगवान धन्वंतरी का इस दिन जन्म भी हुआ था। भगवान धन्वंतरी का जन्म एक कलश के साथ हुआ था, उन्हें औषधि का देवता कहते हैं, इसलिए धन्वंतरी दिवस कहा गया। उनका जन्मदिन इस तरह मनाया जाता है, औषधियों के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन गौत्र व्रत होता है जो गौ माता को समर्पित होता है। ये 3 दिवसीय होता है। पड़वा तक, त्रयोदशी के पड़वा तक ये व्रत रखा जाता है। गाय के समक्ष जो लोग गौ माता के पूजन करते हैं, गौ माता को मानते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उनके लिए ये पारंपरिक त्यौहार है। इस दिन इन 3 दिनों में वो उसका अनुष्ठान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। यमुना नदी में नहाने का बहुत महत्व है। यमुना नदी का महत्व है, सूर्य की पुत्री होने के कारण, यम सूर्य के पुत्र हुए और यमुना सूर्य की पुत्री, इन दोनों के कारण इस त्यौहार की विशेषताएं और इस त्यौहार के पुण्य अधिक बढ़ जाते हैं। धन त्रयोदशी में लक्ष्मी का आगमन होता है। किसी भी तरीके से लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। शिव सूक्त, पुरुष सूक्त से लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 5 दिनों घर के बाहर एक चौमुखी दिया बनाकर यम का दीपदान किया जाता है। जितनी भी विपत्तियां हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ से आती है। यम दक्षिण के कारक है, यम दक्षिण के निर्माण में सहायक है, तो यम का दिया जलाया जाता है जिससे सभी तरीके की विपत्तियां नष्ट होकर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। 3 दिन का व्रत रखने के बाद गायत्री मंत्र के 108 मंत्रों से तिल से हवन करने से सभी प्रकार की शारीरिक व्याधियां समाप्त होती हैं और शरीर पुष्ट होता है। यह भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस का फल है। धनतेरस पे चांदी के लक्ष्मी जी, गणेश जी, चांदी के नाम मिले तो सीधे मिट्टी के लीजिए, लक्ष्मी गणेश जी लाने चाहिए, पीतल के बर्तन लाने चाहिए और उसी दिन उसका प्रयोग करना चाहिए, धनतेरस से ही प्रयोग करना चाहिए। 5 दिन उसी में प्रसाद भगवान का लगे। स्त्रियों के कपड़े, झाड़ू लाना विशेषकर है। झाड़ू लाना हालांकि दिवाली पे है, लेकिन झाड़ू लाने से और झाड़ू मंदिर में दान करने से व्यक्तियों की जितनी विपत्तियाँ होती हैं, जितनी भी दरिद्रता होती है, झाड़ू लगाई जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसमें 3 झाड़ू ला के रखी जाए और 3 झाड़ू ही मंदिर में दे दिए हैं, किसी मंदिर में उसे कोई देखे नहीं, कोई स्पष्ट ना हो कौन लाया कौन नहीं लाया, किसी की नज़र ना लगे। ये रात्रि का कार्यक्रम है, रात्रि में दे दी जाए, इससे मानसिक स्तर पर काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस वाले दिन ही शनि बकरी से मार्गी होंगे मकर में। 9:38 से दिन में शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि अर्थव्यवस्था का कारक, शरीर में शक्ति का कारक, सुख समृद्धि का कारक, दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। शनि का अपना एक विशेष स्थान होता है सौर मंडल में। शनि की शक्तियों को सभी लोग पहचानते हैं। 7:30 ही एक पैरेलल क्रम होता है जो जन्मपत्री ऊपर चलता है, इससे कारक भी शनि होते हैं। सूर्य के पुत्र होने के बाद भी शनि की सूर्य पुत्र में जरा वैमनस्यता रहती है, तो शनि के बदलने से, शनि के मार्गी होने से संसार में, प्रकृति में अनेक तरीके की घटनाएं देखी जा सकेंगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।